वेलकम टू माय चैनल रट एंड दिस वीडियो मेड फॉर किसी का भाई किसी की जान मूवी लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस द कार्ड हैज फॉलन आउट मैंने नाम लिया और आपके सामने कार्ड गिर भी गया स्पिरिट्स कुछ मैसेज करना चाह रही हूँ के मेरे आस पास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जी मुझे बताएं बताएँ किसी के किसी का भाई किसी की जान जो मूवी है सलमान खान की अगले साल दो हजार तेईस में इन इस मूवी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा हिट होगी कि नहीं होगी ये मैं इसमें जानना चाहूंगी प्लीज मुझे बताएं अगर हिट होगी सक्सेसफुल रहेगी ये मूवी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी कि अनसक्सेसफुल रहेगी और उतने गुड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे इस फिल्म को लेकर के नेगेटिव कार्ड है यहां पे भी यही नेगेटिव कार्ड गिरा था इसमें नेगेटिव कार्ड गिरा है तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे मनी स्पेंड हुआ है फाइनेंशियली दिखता है कि काफ़ी जो है मनी स्पेंड इस मूवी में होगा और इनको करना पड़ेगा जैसे प्रमोशन के लिए या जैसे भी और इसमें मैं एक बार चीज़ एक चीज़ और देखूंगी कि ऐसा क्यों दिखा रहे हैं एंजल्स के मैसेजेस नेगेटिव क्यों हैं उतनी सक्सेस क्यों नहीं मिल पाएगी एक बार इसमें रीजन मैं जानना चाहूँगी मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं पहुंचे मुझे बताएं कि क्या कारण है कि ये मूवी हिट नहीं हो पाएगी जो ये मूवी है किसी का भाई किसी की जान ये इसमें नज़र आ रहा है ये मूवी इसलिए नहीं हिट हो पाएगी एक तो सबसे पहली चीज जो इसमें आ रही है Uh, मेहनत पूरी त, जो इस इस मूवी के जो भी टीम है पूरी वो उसने पूरी मेहनत करी है कि इस मूवी को एक मुकाम तक ले जाएं दिक्कत ये आ रही है कि ये मूवी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का शिकार हो रही है नेगेटिव एनर्जीज का मतलब ब्लैक आई नेगेटिव जो एनर्जीज़ नज़र लगना या किसी की बदुआ लगना या किसी किसी की जो है किसी ने कुछ कर दिया हो ये कुछ भी हो सकता है इसमें से इसकी वजह से और ये ऐसी ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है मैं आपको बता दूं या तो ये कई लोगों की है या किसी ने कुछ किया है इंडिविजुअल पर्सन या तो ये कई लोगों की अगर कई लोगों की है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी के बैड वर्ड्स जैसे नहीं हो जाते हैं आप जैसे मैंने बताया ना कि बदुआ देना तो ये इसमें नज़र आ रहा है बर्निंग टावर का कार्ड है चीज़ें डैमेज हो सकती हैं उतनी सक्सेस नहीं मिल पाएगी और फिर भी सलमान खान यहाँ पे दिखता है कि उनको फिर भी वो बहुत ही कूल माइंडेड रहेंगे इसमें इसमें भी कोई डाउट नहीं है काफ़ी कूल माइंडेड दिख रहे हैं इसमें चीज़ों को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे एनालाइज़ करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है या जो भी लेकिन फस्ट्रेशन नहीं दिख रहा उनको उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का मुझे लगता है मालूम है कि ये सिचुएशन आ सकती है तो इसीलिए शायद वो तैयारी करके रखे होंगे कि क्या करना है क्या प्लानिंग करनी है इसमें यहाँ ये भी मैसेज है कि मूवी जो है उतना लव ऑफ फेम नहीं मिल पाएगा लव ऑफ फेम कुछ हद तक मिलेगा कुछ परसेंट तक मिलेगा नाइन्टी परसेंट नहीं दिखता नाइन्टी परसेंट तक भी नहीं दिखता एट्टी परसेंट भी नहीं दिखता बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत कम इसका फिफ्टी या फोर्टी परसेंट आप समझ लीजिए इतना रिजल्ट मिलेगा इस मूवी को अदरवाइज़ मुश्किल है मैं इसमें देख लेती हूँ किसी का भाई किसी की जान मूवी के लिए और क्या मैसेजेस एंजल्स करना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि ये अगले साल 2023 में ये मूवी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी सी वॉट आर द मैसेजेस 2023 के लिए इस मूवी से रिलेटेड एंजल्स क्या मैसेज करना चाह रहे हैं यहाँ पे ये यह मैसेज है कि आ, इस मूवी का जो स्टेटस है जो भी एक जो स्टेटस होना चाहिए उसके लिए यहाँ पे यहाँ पे यह भी दिख रहा है कि इस मूवी को लेके विवाद भी हो सकता है आ, एक और इस विवाद के चलते मुझे लगता है कुछ में सिर्फ मूवी में ही कोई एक्ट कोई फीमेल एक्टर है जो भी इसमें फीमेल एक्टर है जो भी आप समझ रहे हैं ना जो भी फीमेल एक्टर्स हैं उसमें उस उनको ले के विवाद दिखता है मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी फीमेल एक्टर्स हैं जनता उनको ले करके विवाद में वो या तो कुछ हो सकता है कभी कभी कि होता है ना कि स्टेटमेंट कुछ दे दिया पब्लिकली आकर के और फिर आपका जो है स्टेटमेंट पब्लिकली वो इतना वायरल हो गया कि विवाद में आप फंस गए तो वो मूवी जो है कहीं ना कहीं फंसती उसे नज़र आ रही है विवाद है और इस विवाद के चलते आ, इस, उस लेडी के वजह से यहाँ दिख रहा है फीमेल एक्टर की वजह से आ, जो है यहाँ पे दिखता है कि चीज़ें जो हैं वैसी जो सोच रहे हैं कि एक मुकाम तक पहुँचेगी मूवी वो नहीं हो पाएगा और ये मूवी लटकती हुई सी नज़र आ रही है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में कार्ड्स पॉजिटिव तो नहीं आ रहे सब नेगेटिव है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी से रिक्वेस्ट करना किसी से हेल्प सपोर्ट मांगना कि मूवी हिट हो जाए हिट हो जाए बहुत कोशिशें करेंगे पूरी टीम कोशिश करेगी लेकिन नहीं हो पाएगा हेल्प सपोर्ट यूनिवर्स नहीं कर रही है एक्चुअली एंजल्स है, जो हैं वो एक्चुअली यूनिवर्स एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है हम लड़ नहीं सकते ना ब्रह्मांड से तो ब्रह्मांड से यहाँ यहाँ जो यूनिवर्स के मैसेजेस जो आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं आ, ये क्यों आ रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें मैं और देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि क्यों नई मूवी हिट होगी मेरे आस पास चुके डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताएं और मैसेजेस जो ज़रूरी है इस मूवी से रिलेटेड अगले साल 2023 में इस मूवी को लेकर के इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी हिट होगी कि नहीं होगी और जो भी मैसेजेस हैं प्लीज़ मैं जानना चाहूँगी इसमें इस मूवी को जहां तक इसमें नजर आता है कि बराबर से कोई जरा इस मूवी पे नजर भी रखे हुए जैसे मैंने बताया नेगेटिव एनर्जी के लोगों की नजर बहुत ज्यादा इस पर पड़ी हुई है ये नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज्यादा शिकार हो जाएगी और इसको अगर बाहर प्रमोट किया जाए तो कुछ आ, इनकम हो सकती है कॉन्फिडेंस दिखता है इस मूवी को लेके काफी टीम कॉन्फिडेंट रहेगी बाहर इंडिया के बाहर अगर किया जाए तो इसमें कुछ इनको हो सकता है और वहाँ पे कुछ विन विक्ट्री का यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वहाँ पॉसिबिलिटीज हैं मैं इसमें और देख लेती हूँ अगर ये बाहर अगर मेरे आस पास कि डिवाइन नजीज हैं पॉजिटिव नजीज मुझे बताएगा इंडिया के बाहर इसका अगर प्रमोशन किया जाए तो तो क्या रिजल्ट्स होंगे इंडिया के अगर बाहर अगर किया जाएगा प्रमोशन तो इसमें पूरी जो इसमें दिखता है जो टीम है और जो मेन मेंबर्स हैं इसमें वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी इंटेलिजेंसी पूरी पूरी इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी इसमें जोर लगाएंगे फोर्स लगाएंगे किस तरीके से हिट हो जाए और इसमें एक अगेन लेडी का बहुत एक बड़ा रोल दिखता है एक लेडी का इसमें ए, उस लेडी की वजह से फीमेल एक्टर का अगेन यहाँ पे आ रहा है कि बेजती हो सकती है इंसल्ट हो सकती है उस, उस फीमेल एक्टर की और लेकिन ये जो फीमेल है बाद में ये इसी फिल्म से यहाँ दिखता है कि उसको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा वो अपनी प्रोग्रेस करती रहेगी जो फीमेल एक्टर है और बाहर अगर इस मूवी को जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जो कार्ड्स हैं ओवरऑल ठीक हैं फिर भी ठीक है फिर भी बेटर है अगर इसको बाहर अगर किया जाए प्रमोट फिर भी ठीक है थोड़ा सा गॉसिपिंग का शिकार हो सकती है अदरवाइज कहीं कहीं पे ऑब्स्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े जरा जरा से ऑब्स्टिकल्स हैं अगर बाहर प्रमोशन मिलता है जो कि ज्यादा मायने नहीं रखते क्योंकि यहां पे ये यह हो सकता है कि लोग जो है सामने कुछ कहें और पीठ पीछे कुछ चल रहा है उनके ये सब चीज़ें रहेंगी बाहर अगर ये प्रमोशन करते हैं बहुत मेजर नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए इंडिया वगैरह करेंगे इंडिया में मेजर नेगेटिव कार्ड्स इसमें आए हैं ये मूवी प्रॉब्लम में भी फंस सकती है इंडिया का मैंने नाम लिया तो यहाँ पे यह मैसेज आ रहा है कि मूवी प्रॉब्लम में भी फंस सकती है जहाँ तक इसमें नज़र आता है तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम अ डिवाइन एनर्जीज एंड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर दिस मूवी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच